शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में फंसे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को विशेष बोइंग विमान से भोपाल के राजा भोज विमानतल लाए। और राज्यपाल राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जुलाई को 47वें कटनी और 48वें सीधी जिले में 24 घंटे बिजली की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर उपभोक्ता और पंचायत सम्मेलन भी होगा। इसके साथ ही सिवनी और छिंदवाड़ा 24 घंटे बिजली प्रदाय की सुविधा वाले प्रदेश के जिलों में शामिल हो जाएंगे। अब तक अभियान के माध्यम से 46 जिलों में 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के 86वें जन्मदिन पर आज यहां राजभवन में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने पहुंचकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल यादव ने आज अपने जन्मदिन पर सबसे पहले पुरानी विधानसभा परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल राम नरेश यादव को जन्मदिन की सबसे पहली बधाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिली। राज्यपाल राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा में फंसे प्रदेश के 160 तीर्थ यात्रियों को लेकर आज विशेष बोइंग विमान से भोपाल आए। मध्य प्रदेश का ये तीर्थ यात्रियों को लाने वाला 8वां विमान था। इसी के साथ आज मध्य प्रदेश का राजकीय विमान भी उत्तराखंड से 7 यात्रियों को लेकर भोपाल आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनः कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा और संतुलित विकास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह ये है, मैंने पहले भी किया था, मैं फिर दोहराता हूँ, किस आपदा को उत्तराखंड की आपदा ना माने, ये राष्ट्रीय आपदा है और इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके केंद्र सरकार बचाव के, राहत के, पुनर्निर्माण के काम हाथ में ले। उत्तराखंड सरकार उनको सहयोग करे और हम बाकी राज्य सरकारें भी सहयोग करें। राज्य शासन ने मौसम विभाग की जानकारी के आधार पर अगले 48 घंटों में प्रदेश में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। शासन ने इस संबंध में सभी जिलों को वायरलेस संदेश द्वारा सचेत कर दिया है। प्रदेश में 1 जून से 1 जुलाई तक हुई वर्षा के आधार पर 48 जिलों में सामान्य से अधिक और 2 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। आज कलेक्ट्रेट प्रांगण से भारतीय स्टेट बैंक के प्रदेश में प्रथम वित्तीय समावेशन रथ की यात्रा का शुभारंभ कलेक्टर निशांत वरवड़े द्वारा किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर वरवड़े ने रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राकेश श्रीवास्तव, भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक उमेश पांडे, सहायक महाप्रबंधक पीएस बेड़ेकर, पुराना सचिवालय शाखा प्रबंधक हरीश झमतानी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आदिवासी लोक कला और बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा देह अलंकरण के बेगा जनजातीय प्रतीकों की प्रदर्शनी 2 से 7 जुलाई तक मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में लगवाई जा रही है। प्रदर्शनी का शुभारंभ 2 जुलाई को शाम 7 बजे भारत में मेक्सिको के राजदूत जैमे नोआर्ट करेंगे। प्रदेश की भील, गोंड, बेगा, कोरकू आदि जनजातियों में गोदने की परंपरा है। गोदने के अपने अर्थ और आशय होते हैं। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज़। नमस्कार।